खबर शुभी लाइट, आपकी खबर तेजसर। एक तरफ जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री विकलांगों को सम्मान देने के लिए नाम बदलकर दिव्यांग रखकर संबोधन किया, वहीं दूसरी तरफ सरकार के कुछ नुमाइंदे आज भी दिव्यांगों को सामान्य नजरिए से देखकर उनको तवज्जो नहीं देते हैं। इससे प्रधानमंत्री का सपना सामाजिक कलंक को मिटाने और जीवन के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने का संकल्प सही हो। ताजा मामला बस्ती जिले के हरैया तहसील का है, जहां 3 दिव्यांग अपना प्रार्थना पत्र लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे। जहां संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील प्रशासन की तरफ से दिव्यांगों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। आम जनता की तरह वो भी अपने हाथ में शिकायत पत्र लिए दिखे। जब मीडिया का कैमरा इन दिव्यांग व्यक्ति की तरफ घुमा तो आनन फानन में अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों से पीड़ित दिव्यांगों का प्रार्थना पत्र लेते हुए दिखाई दिए। वहीं एक दिव्यांग रामकृपाल से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी जमीन की पैमाइश का मामला है और हम शिकायत पत्र लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। दिव्यांग ने यह भी बताया कि हल्का लेखपाल हमारी जमीन को नापने तक नहीं जा रहे हैं और हम बार बार तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। साहब, हम दिव्यांग हैं और हमारी जमीन की पैमाइश हल्का लेखपाल नहीं कर रहे हैं, जिससे हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमसे हल्का लेखपाल पैमाइश करने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। हम गरीब व्यक्ति कहां से पैसा लेकर आए तब हमारी जमीन की पैमाइश हो। ऐसे आप अभी मिले नहीं अधिकारी से? नहीं। क्या मामला है आपका? जमीन। तो कितना देर से दौड़ रहे हैं? अरे साहब, एक महीना दौड़ रहे हैं। एक महीना दौड़ रहे हैं? न्याय नहीं मिल रही आपको? नहीं। इसके पहले भी तहसील दिवस में आए थे? नहीं नहीं, पहली बार आ रहे हैं। पहली। क्या नाम है आपका? रजनीश। कौन सा गाँव है? पुरदा हीरापुरवा पट्टी निशान से यही कर रहे हैं। कितना देर से दौड़ रहे हैं? एक महीना। तो क्या हुआ, कुछ आश्वासन मिला? क्या कहिए? कौन कहा है? अच्छा, एक महीने लेखपाल दौड़ा रहे हैं? कानों को पास ने एक महीना बाद ने पेला। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। कहाँ से आए? उत्तर बरवा से। वहीं जब संपूर्ण समाधान दिवस के प्रभारी अधिकारी सीडीओ राजेश कुमार प्रजापति से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि दिव्यांगों का प्रार्थना पत्र तत्काल लिया जाएगा और संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले किसी भी पीड़ित दिव्यांगों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इनके प्रकरण को तत्काल निपटाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे ये दोबारा तहसील या संपूर्ण समाधान दिवस दौड़ करना है। सर, जबकि सरकार की व्यवस्था है, जो दिव्यांग है उनको प्रथम व्यवस्था दी जाती है, लेकिन देखने में आया मीडिया कैमरा जब शुरू किया तो वहाँ पर एप्लीकेशन लिया जाने लगा। क्या अगली मतलब बार किया जाएगा? अगर निर्देश रहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति को प्राथमिकता पर चाहे उनकी एप्लीकेशन लेने की बात हो, चाहे परीक्षाओं के आधार की बात किया जाता है, अगर इस तरह कोई प्रकट आएगा तो इसी तो कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।